देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। हम लगातार आपको झारखंड के पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में अभी सियासत गरमाई हुई है। हमने आपको बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी खतरे में है, और उनके भाई खुद बसंत सोरेन की अगर हम बात करें तो बसंत सोरेन की भी जो विधायकी है वो अभी खतरे में है। लगातार मुख्यमंत्री और सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए राज्यपाल रमेश बैस से, लेकिन राज्यपाल की तरफ से 15 से 20 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से कोई भी आपको हम बता दें फैसला नहीं बताया सुनाया गया है। तो इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि बीते ही दिन ईडी ने अपनी विशेष अदालत में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक विधायक है, हम बात करें पंकज मिश्रा की, जो 8 जुलाई को जिस पर छापा मारा था ईडी ने, तो ईडी की तरफ से ये बयान दिया गया है विशेष अदालत में। ईडी ने कहा है कि पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन के पासबुक और ब्लैंक चेक्स वहां से मिले थे। तो ऐसे में ईडी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, और ईडी अब ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पंकज मिश्रा से कोई लेन देन है। हम आपको ये भी बताते चले कि देखिए हेमंत सोरेन का लगातार खनन माफियाओं के साथ कॉन्टैक्ट्स बताए जा रहे थे, ऐसे ही उनके भाई बसंत सोरेन के बताए जा रहे थे। अब इस बीच जो राजनीतिक गलियारों में जो अभी बातें चल रही है, चर्चाएं तेज हो रही है, वो ये है कि जो उनकी भाभी है यानी कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की भी अब विधायकी पर भी अब आज आती हुई नजर आई है। वैसे तो हम आपको ये भी बता दें कि सीता सोरेन हमेशा से ही उनकी तुलना अपर्णा यादव से की जाती है, वो इसलिए क्योंकि बीते ही दिन सीता सोरेन की तरफ से अपनी ही पार्टी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम है वो झारखंड की सरकार कर रही है। ऐसे तो वो लगातार बयानबाजी करती रहती है और उनकी तुलना हमेशा से अपर्णा यादव से की जाती है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज है कि इस बीच सीता सोरेन की विधायकी पर भी आंच आ सकती है। तो अब देखना ये होगा कि बसंत सोरेन और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले क्या सीता सोरेन की विधायकी जा सकती है, अपने आप में बड़ा सवाल है, देखना दिलचस्प आने वाले समय में होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।